हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कढ़ी बहुत पसंद है, तो और जिन्होंने व्रत रखा हुआ है तो वो खुश हो जाएं। आज हम बनाएंगे व्रत वाले कढ़ी चावल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, आधा कप सिंघाड़े का आटा लिया। आप चाहे कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। एक कप दही डाला है उसमें और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यह कढ़ी सीरियसली बहुत अच्छी बनी थी। मतलब जब मैं बना रही थी तो मुझे डाउट था, बट जब मैंने बनाई और खाई तो इतनी अच्छी लगी ना। तो अगर व्रत में आपको भी कुछ यम्मी सा और चटपटा सा खाने का मन है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप वाटर। हमें बिल्कुल कढ़ी की तरह पतला बैटर बनाना है इसके लिए भी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 चम्मच जितना जिंजर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रोस्टेड पीनट्स। पीनट्स को मैंने थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कूट लिया है। मूंगफली का टेस्ट कढ़ी में बहुत अच्छा आएगा, तो मूंगफली ज़रूर ऐड करिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर लिया मैंने, और उसको अच्छे से मिला लेंगे। जिनको भी व्रत में मेरी तरह क्रेविंग्स हो रही है कि कढ़ी चावल खाने हैं हमें, तो ये वीडियो को लास्ट तक फटाफट देख लें और फटाफट किचन में जाएं और जल्दी से कढ़ी चावल बना लें, क्योंकि इस कढ़ी में कोई हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है। अब एक पैन में 2 चम्मच जितना ऑयल ले लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे हम धनिया। अगर आप लोग जीरा खाते हैं तो जीरा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़े से करी लीव्स डाले हैं मैंने यहाँ पर। थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ, सौंफ का टेस्ट कढ़ी में बहुत ही टेस्टी आएगा। थोड़े से यहाँ पे मैंने साबुत काली मिर्ची ली है, और अच्छे से इन सब चीज़ों को, खड़े मसालों को ऑयल में तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ऑयल में इसका फ्लेवर ना आ जाए। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लें। आप 2-3 लौंग भी डाल सकते हो, उसका टेस्ट भी जो है कढ़ी में बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर डालूँ लंबा कटा हुआ अदरक। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो हमने सिंघाड़े के आटे का बैटर रेडी किया था। वो बैटर की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। वैसे तो कढ़ी जो है वो पतली ही टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा पतला ही रखा है। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो इसका इसमें थोड़ा पानी कम ऐड करना। अब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कढ़ी को पकने देंगे। मुझे अपनी कढ़ी जो है वो थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसलिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ उसमें। आप सोच रहे होंगे ये कढ़ी तो येल्लो है ही नहीं, कढ़ी का कलर तो येल्लो होता है, बट नवरात्रि में तो हम हल्दी खा ही नहीं सकते। इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ। उसके लिए क्या करना है, केसर लेना है। 10 से 12 जो पंखुड़ी है केसर की वो लेनी है हमें, और उसको दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कलर जो है वो येलो हो जाएगा दही का, और वो जो केसर वाली दही है वो हमें इसमें डाल देनी है, और जो हमारी कढ़ी बन रही है वो येलो कलर की हो जाएगी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ आलू, थोड़ी सी हरी मिर्च है जिनको मैंने लंबा काट लिया, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए पकने देंगे। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है इतने हम इसके लिए पकौड़े रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 3-4 पोटैटोज लिए हैं स्लाइस्ड, जिनको बारीक बारीक काट लिया है। उसमें अब मैं 1/2 कप सिंघाड़े का आटा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हरी मिर्ची, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर इनका एक बैटर बना लेती हूँ। अभी जो बैटर है उसको बाइंड करने के लिए थोड़ा पानी चाहिए, तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। हमारा पकौड़ों के लिए बैटर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम सारे पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। एक बार पहले कढ़ी चेक कर लेते हैं। कढ़ी हमारी पक रही है, अभी 10 मिनट ही हुए हैं इसे पकते हुए। अभी हम 10 से 12 मिनट और पका लेते हैं। एक कढ़ाई में पकौड़े फ्राई करने के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे।
तेल को अच्छे से गर्म होने देना है और अब हम उसमें अपने पकौड़े डाल देते हैं। पकौड़ों को एक साइड से सिकने दें तभी उन्हें फ्लिप करें, अदरवाइज़ जो पकौड़े हैं वो टूट जाएंगे और नीचे चिपक भी जाएंगे, इसलिए पहले एक साइड से अच्छे से सिकने दें। कढ़ी पकौड़ा के लिए पकौड़े तो बनकर तैयार हैं और हमारी कढ़ी भी दूसरी साइड पक रही है। जब तक कढ़ी बनती है तब तक हम अपने जो व्रत वाले चावल है वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया है, उसमें थोड़े से धनिया सीड्स डाल रही हूँ और अब मैं डालूँगी 1 कप व्रत वाले चावल, सामक के चावल जिन्हें कहते हैं। यहाँ पे 1 कप चावल लिया तो मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ और अब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और गैस का जो फ्लेम है उसको हाई ही रखेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जो गैस का फ्लेम है वो लोअर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए ढककर हम जो अपने सामक के चावल है वो पकने देंगे। देखिए हमारे सामक के चावल भी बनकर रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब प्लेटिंग की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारी कढ़ी कितनी टेस्टी लग रही है। ये हमारे व्रत वाले चावल भी बनकर रेडी हैं, तो एक बार ये कढ़ी चावल ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे व्रत वाले कढ़ी चावल। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।